Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you the questions of improvement or no improvement asked in CGL, CHSL and other competitive examinations conducted by the SSC. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपका है, लेट अस नॉट नेग्लेक्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑल्दो परस्यू मोमेंटरी प्लेजर्स। द अंडरलाइन वर्ड्स आर ऑल्दो परस्यू मोमेंटरी प्लेजर्स। ऑल्दो एक कंजंक्शन है, इसके बाद एक क्लॉज चाहिए, यहाँ क्लॉज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। ऑप्शन नंबर ए है थ्रू। थ्रू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्बल ऑब्जेक्ट जीरंड होता है, जबकि यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है, अतः ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसे हम एलिमिनेट कर लें। नंबर बी नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है, अतः ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेटेड हो गया। नंबर सी बाई परसुइंग मोमेंटरी प्लेजर्स, बाई के बाद जीरंड है, लेकिन ये वे या मेथड ऑफ डूइंग समथिंग दिखाता है, जबकि यहाँ दो समानांतर दो पैरेलल एक्शंस जा रहे हैं कि ये चीज़ नहीं करना है जब इसको आप करें, यानी यहाँ ड्यूरिंग का सेंस है, के दौरान का सेंस है, और के दौरान के सेंस में हमारे पास वाइल कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका वाइल कंजंक्शन है नंबर डी में, तो सी आपका एलिमिनेटेड हो गया, डी इज़ द करेक्ट आंसर। वाइल के बाद सेम सब्जेक्ट प्लस ऑग्जिलरी वर्ब को हम ओमिट कर सकते हैं और सीधे मेन वर्ब फोर यानी आईएनजी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। सो वाइल परसुइंग मोमेंटरी प्लेजर्स, सो लेट अस नॉट नेग्लेक्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वाइल परस्यूइंग मोमेंटरी प्लेजर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर टू, ही किक्ड अप ए रो व्हेन ही वाज डिनाइड एंट्री टू द एम्यूजमेंट पार्क। ही किक्ड अप ए रो, किक अप ए रो का मतलब होता है भारी विरोध करना, झगड़ा कर लेना। तो यहाँ ही किक्ड अप ए रो, उसने ऐसा किया, उसने भारी विरोध किया, झगड़ा कर लिया। व्हेन ही वाज डिनाइड, जब उसे इनकार किया गया एम्यूजमेंट पार्क में प्रवेश देने से। यानी यहाँ किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपका अंडरलाइन वर्ड्स बिल्कुल करेक्ट है, एप्रोप्रिएट है, ग्रामेटिकली एंड कंटेक्सचुअली दोनों तरह से ये सही है। तो यहाँ आपका आंसर जाएगा नंबर बी, नो इम्प्रूवमेंट। आपका नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्रिएटेड ए फस, ये भी यहाँ फिट बैठ रहा है, लेकिन चूंकि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है अतः हम नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी वेटेड इन ए क्यू, यहाँ कोई इसका एप्रोप्रिएटनेस नहीं है। डी किक्ड द गार्ड, गार्ड को किक किया, उसे पीटा, ऐसा सेंस नहीं दे रहा है। सो राइट ऑप्शन आपका होगा नो इम्प्रूवमेंट, ही किक्ड अप ए रो व्हेन ही वाज डिनाइड एंट्री टू द एम्यूजमेंट पार्क। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री। वी मस्ट एंडीवर टू इंक्रीज वीमेन्स एक्सेस फॉर एजुकेशन ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट। अंडरलाइन वर्ड्स पर विचार करें, एक्सेस फॉर एजुकेशन ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट। एक्सेस आपका पहुंच, मोशन टुवर्ड्स दिखाता है, अतः उसके साथ प्रीपोजिशन फॉर नहीं बल्कि टू होना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट दोनों को वीमेन के लिए इंक्लूड किया गया है, अतः यहाँ ऑल्सो नहीं एंड होना चाहिए। तो एक करेक्शन की ज़रूरत है कि यहाँ प्रीपोजिशन टू और यहाँ कंजंक्शन एंड, या टू के बाद नॉट ओनली और यहाँ ऑल्सो के साथ बट ऐड कर देंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखें इस तरह का ऑप्शन हमें किस में मिलता है। आइए नंबर ए देखें, एक्सेस टू करेक्ट प्रीपोजिशन है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ये बिल्कुल करेक्ट मिला। चलिए इसको पहले मार कर लेते हैं, दिस इज द राइट आंसर, एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नंबर बी, एक्सेस टू एजुकेशन टू तो यहाँ करेक्ट है लेकिन और यहाँ रॉन्ग जा रहा है, अतः दिस इज नॉट पॉसिबल, सो एलिमिनेटेड। नंबर सी, इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, अतः नो इम्प्रूवमेंट भी आंसर हमारा नहीं होगा। नंबर डी, एक्सेस इन, यहाँ इन प्रीपोजिशन कतई संभव नहीं है, कंजंक्शन एंड सही है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
access to education and employment. We must endeavor to increase women's access to education and employment. Now come to question number 4. The India Consensus Study highlight a benefits by adding. Now consider karein. आपका सब्जेक्ट है स्टडी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जिसके साथ क्रिया मेन वर्ब 1 नहीं बल्कि मेन वर्ब 5 यानी एस ई एस वाली क्रिया चाहिए तो हाईलाइट के जगह हाईलाइट्स होना चाहिए. यहाँ बेनिफिट्स किस चीज का तो कनेक्शन है एडिंग और बेनिफिट्स में तो प्रीपोजिशन यहाँ ऑब होना चाहिए क्योंकि ऑब एडिंग से आपका नाउन बेनिफिट्स पर्टिकुलराइज्ड हो जा रहा है अतः ए की जगह द होना चाहिए यानी करेक्शन की जरूरत है तो नो इम्प्रूवमेंट तो आपका एलिमिनेटेड हो गया. नंबर बी को एलिमिनेट कर लें यानी आपका आंसर होना चाहिए स्टडी हाइलाइट्स द बेनिफिट्स ऑफ एडिंग. इस तरह का देखिए कहाँ आपको आंसर आता है किस ऑप्शन में आता है तो नंबर ए को हम देखें हाइलाइट्स द बेनिफिट्स ऑफ एडिंग ये बिल्कुल सही आंसर है मार्क कर लें. नो इम्प्रूवमेंट तो एलिमिनेट हो गया. हाईलाइट मेन नंबर 1 है तो ये संभव है नहीं दिस इज एलिमिनेटेड. हाईलाइट यहाँ भी मेन वर्ब नंबर 1 है ये भी एलिमिनेटेड हो गया. हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हाईलाइट्स द बेनिफिट्स ऑफ एडिंग. आपका सही सेंटेंस होगा द इंडिया कंसेंसस स्टडी हाईलाइट्स द बेनिफिट्स ऑफ एडिंग डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन अप्रोचेस टू करेंट गवर्नमेंट पॉलिसी. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5. दो मेनी यूरोपियन ट्रेडर्स विजिट पुडुचेरी इन द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स व्हाट रिमेन्स टुडे इज अ रेलिक ऑफ इट्स फ्रेंच पास्ट. स्टूडेंट्स ट्रेडर्स विजिट पुडुचेरी इन द 16th सेंचुरी ये पास्ट टाइम को रेफर कर रहा है अतः यहाँ विजिट क्रिया में इम्प्रूवमेंट चाहिए ये रॉन्ग है विजिटेड होना चाहिए. दूसरा इन द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यानी फ्रॉम दिस सेंचुरी टू द कमिंग वंस यानी फ्रॉम टू का सेंस जा रहा है अतः यहाँ इन भी आपका सही प्रीपोजिशन नहीं है इसके जगह पर फ्रॉम होना चाहिए यानी हमें करेक्शन चाहिए विजिटेड और इन के स्थान पर फ्रॉम चाहिए. देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा मिलता है तो ऑप्शन नंबर ए ट्रेडर्स विजिटेड पुडुचेरी फ्रॉम करेक्ट विजिटेड करेक्ट From the 16th century onwards, so option number A is the correct one. Mark कर लें. Option number B में देखिए traders visited यहाँ correct है लेकिन ये in आपका wrong जा रहा है so this is eliminated. Improvement की आवश्यकता है so no improvement भी आपका option eliminated हो गया. Trader visited, visited आपका correct है. From भी आपका correct है लेकिन जरा गौर करें trader पर many के साथ trader नहीं बल्कि traders ही होना चाहिए so this option is also not possible. Hence the correct option is number A traders visited Puducherry from the 16th century onwards. So the correct sentence will be though many European traders visited Puducherry from the 16th century onwards what remains today is a relic of its French past. इस तरह से स्टूडेंट्स अंडरलाइन वर्ड्स को बहुत ही बारीकी से आप पढ़ेंगे देखेंगे कंटेक्स्ट टाइम का पास्ट है प्रेजेंट है फ्यूचर है उसके आधार पर करेक्शन ढूंढेंगे आप देखेंगे कि प्रीपोजिशन सही है या रॉन्ग है यानी सारे ग्रामेटिकल फैक्ट्स को वहाँ अप्लाई करके आसानी से राइट आंसर को आप टिक कर सकते हैं. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.